मेरा बच्चा सोजा मेरा बच्चा, मेरे बाबू के पापा आ गए, आया निनिया। देखो बाबू को एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था, एक रानी थी, उसकी एक बेटी थी। वो बहुत मनमाश थी। सो हमेशा वो एक दिन गई नाली के किनारे। तो वहां पर वो पानी पी रही थी, पानी नहीं मतलब खेल रही थी उसके साथ। तो क्या हुआ कि वो उसके अंदर गिर गई। तो उसके अंदर एक गड्ढा था। तो फिर वो गिर गई ना, फिर वो तैर नहीं पा रही थी। वो बहुत छोटी थी, वो जन्म ही नहीं थी। तो उसके मम्मी पापा उसको एक बार छोड़ दिए। वो काली थी, मतलब ब्लैक कलर की थी। वो पूरा उसका शरीर ब्लैक कलर का था। हाँ, तो उसने उसको देखो, उनके मम्मी पापा गए थे और वो बच्ची गई थी। तो उनको प्यार करते करते ऐसे मजाक में झूठ फूट कर। तो फिर क्या हुआ कि फिर उसने बोला कि पानी के साथ खेल लो। फिर नहीं, उसने बोला कि पानी कितना ज्यादा किनारा है देख क्या तू बच्चा। वो थोड़ी सी बड़ी थी तो वो चलते चलते गई और उसके पीछे पीछे मम्मी पापा भी जा रहे थे। तो जब वो नाली के किनारे पहुंच गई ना थोड़ा सा आगे, तो उसका ऐसे धक्का दे दिया पीछे से और वो गिर गई। फिर क्या हुआ कि उसके मम्मी पापा ने बोला हाँ अब तो ठीक है, हमारी काली बेटी चली गई। अरे नहीं, फिर उसने बोला कि अरे नहीं, मेरी तो फिर से एक दूसरी बच्ची थी, शायद वो गोरी और स्टाइलिश भी होगी। फिर उसने फाड़ के निकाल दिया डॉक्टर ने उसको। फिर उस वजह से पेट में जो लगाते हैं ना वो लगा दिया बैंडेज। उनके बहुत गोरी से बेटे और उन्हें पूरा हाथ में अंगूठी पहनकर बहुत गोरी भी थी और उसने बहुत अच्छा डिजाइन का कपड़ा पहना था। गाइज, किसको किसको आद्या की स्टोरी समझ में आई वो कमेंट करेगा। किधर से शुरू हुआ, किधर खत्म हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना। हाँ बेटा, आगे सुनो और। हाँ, फिर उसकी बेटी जब बड़ी हुई ना, तब जो है ना, फिर वो बहुत बदमाश हो गई, बहुत। आपके जैसे? मेरी जैसी नहीं, बहुत बड़ी, 5.5 इयर्स की नहीं, तो 7.5। 5.5 इयर्स की कौन है? मैं हूँ। 5.5 की नहीं, 7। वो बहुत बड़ी हो गई थी। फिर उसका बर्थडे आया कल, जिसका नाम क्या था, अनिल परी नाम था। मेरा वो वाला परी नहीं, मैं तो सिर्फ परी हूँ, मैं तो ऐसे, मेरा नाम है परी। एक और परी जो होती है ना जो उड़ती है, वो वाली परी है वो। डन।